नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,04,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 57,23,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 5,10,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में 5,82,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 3,45,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 17,322 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 13,593 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 10,395 अब तक रिकवर हुए हैं। 572 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 1,122 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 966 अब तक रिकवर हुए हैं। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा 59 पर पहुंच गया है। मंगलवार को निमाड़ में 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। एक नई मौत के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ा। मंगलवार को खंडवा में कुल 6 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। नए मरीजों में 3 खंडवा के हैं, शेष 3 खेगावड़ा, हरसूद और मूंदी से एक एक संक्रमित सामने आए हैं। जिले में अब कुल संक्रमित 317 हो गए हैं, 263 रिकवर हुए हैं तथा 27 मरीज अब भी एक्टिव है। खरगोन जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 8 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इन्हें मिलाकर कुल 250 संक्रमित अब तक रिकवर हो चुके हैं। जबकि जिले में कुल 289 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 15 लोगों की अब तक मौत हुई है व 24 मरीज यहां पर स्थिर हैं। 193 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। इसी दौरान बुरहानपुर में 9 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 401 हो गई है, जबकि 364 मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 23 संक्रमितों की अब तक मौत हुई है। 14 केस जिले में अब भी एक्टिव हैं। बड़वानी जिले के ग्राम खजूरी में नए पॉजिटिव मरीज के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 115 हो गई है। बड़वानी में भर्ती राजपुर के 60 वर्षीय संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हुई। इसे मिलाकर जिले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अब 23 एक्टिव संक्रमित है जिनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेसियों ने पुतला फूंका, पोस्टर भी जलाए, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। खंडवा में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने केवलराम चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह के पोस्टर भी जलाए। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने जलते पुतले को लातों से रौंदा भी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस का आरोप है कि इन 100 दिनों में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल प्रदेश में बिक रहा है। देश में सबसे ज़्यादा महंगे बिजली बिल भी प्रदेश की जनता को भरना पड़ रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। प्रदेश का विकास ठप्प पड़ा हुआ है। इसके विरोध स्वरूप पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बताते चलें, इस दिन को कांग्रेस काला दिवस के रूप में मना रही है। आज से 100 दिन पहले कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार गद्दी नशीन हुई थी। जिला प्रशासन की स्टंट टीम ने 15 दिन में जांचे 27,000 लोगों के स्वास्थ्य। सर्दी और बुखार के मरीजों की जांच के लिए गठित किए गए 10 दलों ने पिछले 15 दिनों में 27,000 से ज्यादा लोगों की जांच की है। कलेक्टर अनिल द्विवेदी के निर्देशन में स्टंट मेडिकल चेकअप के लिए 10 टीम गठित की गई है। स्वास्थ्य विभाग के ये दल 16 जून से लगातार खंडवा शहर के विभिन्न वार्डों व बाहर से आने वाले नागरिकों का स्क्रीनिंग, बुखार, तापमान, ऑक्सीजन सेचुरेशन का परीक्षण कर रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया, इन दलों द्वारा सोमवार तक कुल 27,329 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान 63 व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है। दल द्वारा कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम संबंधी समझाइश भी दी जा रही है। बुधवार से जिले में किल कोरोना अभियान की शुरुआत भी की जा रही है। मूंदी और हरसूद में कोरोना की दस्तक, दोनों नगरों में भय का माहौल। मंगलवार को खंडवा जिले के मूंदी और हरसूद में कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी है। इन दोनों नगरों में संक्रमित मरीज सामने आने से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। बताते चलें, दोनों ही नगरों में कोरोना संक्रमण के पहले मामले हैं। कोरोना पॉजिटिव की खबर मिलते ही मूंदी में सनसनी फैल गई। खबर मिलते ही प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है, केनुद रोड निवासी संक्रमित 4 दिन अपने ससुराल कड़ोला जिला हरदा में रहकर वापस लौटा था।
इस बीच उसको सर्दी बुखार की समस्या हुई थी। बीएमओ डॉक्टर रामकृष्ण इंगले ने बताया, संदिग्ध के सैंपल 27 जून को जांच के लिए खंडवा भेजे गए थे, जहां से उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े, तहसीलदार सीमा मौर्य, टीआई अंतिम पवार भी मौके पर पहुंच गए। नगर परिषद सीएमओ संजय गीते की टीम बैरिकेडिंग में जुट गई। संक्रमित की कैनोद रोड स्थित फुटवेयर की दुकान है, जिसे सील कर दिया गया है। संक्रमित के परिजनों को होम क्वारंटाइन किया जा चुका है। कविता लेखन प्रतियोगिता के परिणाम किए घोषित। नगर निगम खंडवा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व जिला प्रशासन ने कोरोना योद्धा विषय पर कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस प्रतियोगिता के बुधवार को परिणाम घोषित किए गए। मेडिकल कॉलेज खंडवा की डॉक्टर लीना परिहार ने बताया कि 18 वर्ष तक की आयु श्रेणी में 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें नेहा यादव प्रथम रही, जबकि वैष्णवी जाधव दूसरे, सानिक गजभिये तीसरे और विथिका चौरे चौथे स्थान पर रही। 18 वर्ष से अधिक आयु की श्रेणी में 22 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें अक्षय गुप्ता प्रथम, पूर्णिमा जाधव द्वितीय, अशोक कुमार नेगी तृतीय तथा चौथे स्थान पर तारावती सैनी नीरज रही। पुरस्कार वितरण के लिए जिला प्रशासन प्रतियोगियों से पृथक से संपर्क करेगा। गोसेवा और पौधरोपण से होगी रोटरी क्लब के नए सत्र की शुरुआत। 1 जुलाई से शुरू हो रहे रोटरी वर्ष के पहले दिन गौशाला में गोग्रास खिलाएंगे एवं वृहद पौधरोपण कर पर्यावरण की रक्षा में अपना सहयोग देंगे। वर्ष भर मेडिकल चेकअप कैंप और टीकाकरण अभियान सतत रूप से चलाया जाएगा। खंडवा के रोटरी भवन में फिजियोथेरेपी सेंटर और ब्लड बैंक की शुरुआत भी की जाएगी। ये बात रोटरी क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभाष मेहता ने अपने पद की शपथ और सेवा का संकल्प लेने के साथ कही। सचिव के रूप में सुनील बंसल ने पदभार ग्रहण किया। रोटरी चतुर्विध परीक्षण का वाचन पूर्व अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता ने किया। ऑनलाइन हुए इस अधिष्ठापन समारोह में देश भर के रोटेरियन शामिल हुए। संचालन करते हुए पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल मंडलोई ने खंडवा रोटरी क्लब को देश के उन चुनिंदा रोटरी क्लब में शामिल बताया जिनके पास अपना स्वयं का भवन है। तो देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज गैलेक्सी। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभरात्रि।